अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं अब कैरियर हेल्प डेस्क की जानिब से हाजिर हुआ हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी आज ही 1 अप्रैल 2019 से एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया फ्रांस का, पाकिस्तान की एम्बेसी में, जो फ्रांस की एम्बेसी है जो पाकिस्तान में, वहाँ से स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया, जिसकी डेडलाइन 28 मई 2019 है। एप्लीकेशन प्रोसीजर बहुत 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 ज़्यादा आसान है, कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करे या आप लोगों को समझना है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। सबसे यहाँ से दो स्कॉलरशिप अनाउंस किए गए हैं एम्बेसी से, दोनों पे मैं अभी एक सेपरेट वीडियोज बनाऊंगा, इसके एक और दूसरे पे अलग से वीडियो बनाता हूँ, वो भी अभी ही बना दूंगा। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है मेक अवर प्लैनेट ग्रेट अगेन, कि आपने जो है अपने प्लैनेट को दोबारा से अच्छा बनाना है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ एम्बेसी ऑफ फ्रांस इन पाकिस्तान एकेडमिक ईयर 2019-2020। अब इसमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम है, क्या क्या है इसमें लिखा हुआ है। पाकिस्तान स्टूडेंट्स हु वांट टू एनरोल इन फ्रेंच यूनिवर्सिटीज एट मास्टर्स लेवल ओनली इन द फील्ड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। तो आप जो भी मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ इन फील्ड में अप्लाई कर सकता है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, जैसा कि स्कॉलरशिप का नाम भी क्लियर मेंशन है, मेक अवर प्लैनेट ग्रेट अगेन। तो प्लैनेट का नाम आ गया, इसका मतलब है हम एनवायरमेंट या क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर है, मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने लिंक दिया हुआ है, लिंक क्यों दिया हुआ है, इस लिंक का मैं आपको एट द एंड वीडियो के बताता हूँ कि इन लिंक्स के देने का मकसद क्या है। दूसरा प्रोग्राम मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर एनवायरमेंटल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग, आप देख रहे होंगे सारे एनवायरमेंटल से मैच कर रहे हैं। मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्निक्स इन अर्बन एनवायरमेंटल एटमोसफियर वाटर एंड एनवायरमेंट, इंटरनेशनल मास्टर इन ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी, MSc ग्रीन केमिस्ट्री एंड द प्रोसेस फॉर बायोमास, ग्रीन कैप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनके लिंक भी दिए हुए हैं। तो कितने प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर है, 1, 2, 3, 4, 5 प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एज 28 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेंट शुड होल्ड अ 4-year बैचलर डिग्री, जैसा कि आपको पता है कि बैचलर हमारी 4 ईयर होनी चाहिए, और मिनिमम CGPA आपकी 3.5 out of 4, इससे कम वाला अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई यहाँ पे। दूसरा क्या है, देयर शुड नॉट बी मोर देन 2-year गैप, और आपके एजुकेशन के दरमियान 2 से ज्यादा का गैप नहीं हो, 2 साल से ज्यादा का गैप ना हो। जैसा कि हम देखते हैं, हम जॉब वगैरह कर लेते हैं उसके बाद हम जाते हैं। तो दी एम्बेसी ऑफ दी फ्रांस इन पाकिस्तान विल पे स्पेशल अटेंशन ऑन जेंडर इक्वेलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी ऑल प्रोविंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एम्बेसी है यहाँ पे इक्वल रखेगी सबको, मेल फीमेल और तमाम प्रोविंस को। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे फलां प्रोविंस के ज्यादा सेक्टर रहेंगे या मेल ज्यादा, यहाँ पे इक्वलिटी होगी हर प्रोविंस से और जेंडर बेस। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, आप सोच रहे होंगे यार हम सिलेक्शन प्रोसीजर पे चले गए, इसका भी एप्लीकेशन तरीका वो मैं जब आपको बताऊंगा आप सोचेंगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। द सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द रिव्यू ऑफ द पेपर एप्लीकेशन। अब कौन कौन सी होंगी, द एक्सीलेंस ऑफ द एप्लीकेंट CGPA यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने बताया 3.5 से कम ना हो, द क्वालिटी ऑफ स्टडी प्रोजेक्ट, जो स्टडी प्रोजेक्ट होता है, द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रांस, द क्वालिटी ऑफ स्टडी प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जो आप प्रोजेक्ट ऑफर कर रहे हैं, जो रिसर्च प्रपोजल आप दे रहे हैं, उसकी कितनी वर्थ है आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। आप जैसे फ्रांस का बताएंगे, पाकिस्तान का बताएंगे, तो ये आपका रिसर्च प्रोजेक्ट से मुराद, स्टडी प्रोजेक्ट से मुराद आपका रिसर्च प्रपोजल है जो आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। The motivations of the applicants to study in France. ये कोई ज्यादा बड़ा एप्लीकेंट नहीं है, सिंपल वही है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पज का नाम देते हैं। तो आपने मोटिवेशन इसमें लिखनी है कि आप फ्रांस में क्यों करना चाहते हैं। द लैंग्वेज लेवल ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच, यहाँ पे कोई यहाँ पे जिक्र नहीं दिया हुआ कि आपको आइट्स चाहिए, आपको टफल चाहिए या GRE मस्ट होगा, यहाँ पे सिंपल ये लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपना सेंड कर सकते हैं, तो हो सकता है वो उस बेस पे भी आपकी सिलेक्शंस कर दें। टर्म्स एंड कंडीशंस ये सिंपल 24 मंथ का होगा। बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज कवर है, एग्जेम्पशन ऑफ ट्यूशन फीस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इक्वल टू दी 14,000 यूरो, आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी अमाउंट है। मंथली लिविंग अलाउंस जो आपको दिए जाएंगे वो 700 यूरो। अब हम देखते हैं कि 700 यूरो कितना बनता है, 700 यूरो टू PKR, तो आप देखिए बनता है 53 रुपए जो है आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। रिटर्न टिकट होगी, वीजा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगी और एक्सेस टू पब्लिक स्टूडेंट हाउसिंग, ये भी आपको दिया जाएगा। इसका मतलब ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है।
कमिटमेंट है ये जनरल ही है। अब टाइमलाइन ऑफ सिलेक्शन क्या है, जैसे कि बताया स्टार्ट डेट हुई है 1 अप्रैल, डेडलाइन स्कॉलरशिप की क्या है 28 अप्रैल 2019 है, और जो रिजल्ट इसका अनाउंस किया जाएगा वो 3rd और 4th week ऑफ द मई। इसका मतलब ये हुआ कि मई के एंड में नेक्स्ट मंथ ही इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा कौन कौन सिलेक्ट हुए। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है ना अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है ना अपने हार्ड फॉर्म में फिल कर लें, आपने सिर्फ अपने सारे डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल इनको सेंड कर देने हैं फ्रांस की एम्बेसी को इन पाकिस्तान। अब वो क्या क्या है, एक सीवी है आपकी, रिज्यूम है जिसको हम देते रहे, सर मैंने बताया कि अच्छी होनी चाहिए, मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ ये कैसी होनी चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन इसका मैंने बताया, लेटर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वन एडमिशन लेटर फ्रॉम अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी आर अ प्रूफ ऑफ कंप्लीट सबमिटेड एप्लीकेशन। अब ये है जैसा कि हमने यूके में अप्लाई किया था, यूके के लिए हमें कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर लेटर चाहिए होता है कि उन्होंने अपने एडमिशन उसने आपको ऑफर किया लेकिन आपके पास फंडिंग का मसला आया हुआ है, और प्रूफ ऑफ कम्प्लीट का मतलब ये हुआ कि आपको एडमिशन लेटर ऑफर हो या आपने एप्लीकेशन सबमिट की भी हो किसी भी ऊपर दिए गए प्रोग्राम के अंदर, तो उसका आपने प्रूफ देना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगर कोई ईमेल है तो वो दे सकते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ये आपने देनी है जितनी भी हैं आपकी हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक, एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट जैसा कि आप बता रहे हैं, यहाँ पे आप आईएलटीएस होगा टफल होगा तो आपको वेल एंड गुड प्रेफर किया जाएगा, नहीं होगा तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी भेज सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसका फोल्डर बनाना है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का, वो तमाम का तमाम फोल्डर बाई ई मेल आपने इस ई मेल एड्रेस पे सेंड कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उन लिंक्स का क्या मतलब है यहाँ पे देने के, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ वन एडमिशन लेटर फ्रॉम अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी आर अप्रूव ऑफ द कंप्लीट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये इन लिंक्स का विवरण देने का मतलब यही है कि आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि अगर ये प्रोग्राम है आपने इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इस प्रोग्राम की जो है प्रोफाइल ओपन करेगा फ्रेंच यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी ये ऑफर किया गया, आप ये देखें ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप ये देखेंगे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च है, प्रैक्टिकल और कैंपसेस हैं, यहाँ पे सब कुछ गिवन है, तो आपने क्या करना है आप ये देखें यहाँ पे, उप्स तो कुछ जो है यहाँ पे वेबसाइट में कुछ मसला है, ये ओपन नहीं हो रही मेरे पास, या हो सकता है ओपन हुई है मुझे समझ नहीं आ रही, तो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स है, स्मार्ट फैमिली है, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है इनको अप्लाई करना है। इसी तरीके से अगर हम किसी और का देखें जैसा कि यहाँ पे ये गिवन है, आपने इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन को सबमिट करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब आप सबमिट करेंगे तब ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी स्कॉलरशिप के लिए। तो ये देख रहे होंगे कि ये लिंक नहीं आ रहा शो, तो ये वो दे रहा है कि नॉट फाउंड, तो अगर हम जस्ट मास्टर इन साइंस करते हैं तो क्या ऑफर करता है ये देखें, मास्टर ऑफ साइंस जब किया तो हमारे पास ये चीज ओपन हो गई है, ये इनके प्रोग्राम्स आ गए, आपने यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्राम वहाँ पे गिवन है आपने उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उसमें अप्लाई करना है, एप्लीकेशन को सबमिट करना है, एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं इनको सेंड कर देने हैं, तो फ्रेंच यूनिवर्सिटीज और उनके लिंक्स आपको गिवन है, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इनको सेंड कर दें, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है, तो कोशिश करें जिनके पास आइट स्कोर हैं वो ज़्यादा कोशिश करें, उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंसेस होंगी। तो आज की वीडियो का मकसद आपको सिर्फ यही था, आप ये प्रोग्राम देखें, यहाँ पे लिंक गिवन है, हर प्रोग्राम का गिवन है, जिसमें भी आप करना चाहें आप उस यूनिवर्सिटी पे इस लिंक पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी में जाके अपनी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, सबमिट करने के बाद अगर तो कुछ दिनों में वो आपको लेटर ऑफर करती हैं तो ठीक है, वरना वैसे ही स्क्रीनशॉट लेके एम्बेसी को सेंड कर दें कि मैंने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है। तो ये था सिंपल इसका प्रोसीजर कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो का मकसद यही था, हमारे चैनल को जिसपे मैं अभी इसको अपलोड करने वाला हूँ कैरियर हेल्प डेस्क के नाम से जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिल सकें। अभी मैं इनका जो दूसरा स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया वो भी बहुत अच्छा है, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, मैं उस पर अभी वीडियो बनाने लगा हूँ, तो हमें जो है दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।